तो आपके मुंह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल तस्वीर लगाइए, बिल्कुल इनको याद कीजिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया था, है हिम्मत तो जलाइए मनुस्मृति को। तब हम समझेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सच करना चाहते हैं। हालांकि आपसे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ लोग आकर यहाँ पे भारत माता की जय कह रहे थे, तो उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि भारत माता की जय के बारे में अगर सही से किसी ने बताया है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जो कहते हैं कि किसी समाज की प्रगति को यदि आप जानना चाहते हैं तो वहां के महिलाओं की प्रगति को देखिए, बेशक लगाइए भारत माता की जय, हम भी आपके साथ मिलकर लगाएंगे, लेकिन बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। नारों से देश नहीं चलता, वादों से देश नहीं चलता, देश चलाने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, और ड्रेस बदल लेने से लोगों का विजन नहीं बदल जाता। अगर इनको भारत माता की जय में भरोसा होता तो इस देश के अंदर
सत्य और अहिंसा की परंपरा में भी इनको भरोसा होना चाहिए था, लेकिन ये बार बार हिंसा में क्यों उतारू होते हैं। हमने कहा कि नागपुर दीक्षा भूमि है, महात्मा बुद्ध का संदेशा है पूरे दुनिया को कि आप सत्य और अहिंसा में भरोसा कीजिए। बाद में गांधी जी ने उसको माना और अम्बेडकर ने भी माना और भगत सिंह ने भी उसको माना। तो भगत सिंह ने कहा कि इनकलाब कभी बम और पिस्तौल से नहीं आता, तो ये बम और पिस्तौल से कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं, जूता फेंक कर ये कौन सी देशभक्ति निभाना चाहते हैं, और भारत माता की जय बोलकर लोगों को मुंह बंद कराने का इनका मकसद क्या है, आज इस पर बातचीत करने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू कभी भी किसी भी तरीके के देश विरोधी गतिविधि का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। ये जो लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया था, ये आज हमें देशभक्ति, ये जो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मुखबिरी की थी, माफी मांगा था, आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए। ये जो लोग हैं जो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करके इस देश की जनता को लूट रहे हैं, और ये हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं इनको कह देना चाहता हूं कि मैं या मेरा संगठन या मेरा विश्वविद्यालय किसी भी रूप में देश विरोधी गतिविधि का कभी भी समर्थन नहीं करता है। इन्होंने एक नकली वीडियो बनाकर एक चैनल को खरीद कर उसके मालिक को राज्यसभा का सांसद बनाने का लालच देकर पूरे के पूरे जेएनयू को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू के लोग इस देश के अंदर बाबा साहब के विचारों को सच करना चाहते हैं। जेएनयू के अंदर लोग विदर्भ में मर रहे किसानों के लिए लड़ना जानते हैं। जेएनयू के अंदर लोग मराठवाड़ा के अंदर जो समस्या है उस पर बातचीत करते हैं। जेएनयू के अंदर इस देश के अंदर जो गरीबी भुखमरी और अशिक्षा और बेरोजगारी है उस पर बातचीत करते हैं, इसीलिए इन्होंने जेएनयू पे हमला किया है। मैं आपको कह दूं कि किसी भी रूप में वहां का कोई भी विद्यार्थी किसी भी तरीके की देश विरोधी गतिविधि में कभी शामिल नहीं था। एक बड़ी साजिश के तहत विश्वविद्यालय को बदनाम किया गया है, हमारे शिक्षकों को बदनाम किया गया है, हमारी छात्रा साथियों को बदनाम किया गया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और इसके बाद आपको खुद ब खुद पूर्ण तरीके से बात पता चलेगी कि सच क्या है। बताइए, मेरे ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा है। सेडिशन को एंटी नेशनल नहीं कहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सेडिशन का हिंदी देशद्रोही नहीं राजद्रोही होता है, और बहुत चालाकी से इन्होंने सेडिशन की जगह मीडिया में इंटरनेशनल वर्ड का इस्तेमाल किया। बहुत चालाकी से इन्होंने देशभक्ति बनाम देशद्रोही का एक विमर्श छेड़कर इस देश के अंदर जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, जो लोग बिना पानी के मर रहे हैं लातूर से लेकर महाराष्ट्र में, उसके बारे में ये सवाल को छुपाना चाहते हैं। इस बात को ये छुपाना चाहते हैं कि आपने काला धन लाने का वादा किया था, आपके अकाउंट में आज तक 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया है। छुपाना चाहते हैं कि एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन चाय वाले के बारे में कुछ नहीं करता।